कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब प्रॉब्लम ये है कि वोल्टमीटर करता क्या है, मुझे ये बताओगे? वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये थी कि एक ना वायर जा रही थी और इसके आगे एक रेजिस्टेंस थी। तो एक स्टूडेंट बोला कि सर देखो इसमें करंट जा रहा है। मैंने कहा हाँ करंट जा रहा है, इसकी कोई रेजिस्टेंस है? हाँ रेजिस्टेंस है। तो क्या तुम मुझे इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दे सकते हो? ये क्वेश्चन था। तो मैंने कहा करंट बता, कहता नहीं है। रेजिस्टेंस बता, कहता वो भी नहीं है। तो फिर निकाल लूँ क्या? आई इंटू आर, आई भी नहीं है, आर भी नहीं है, लेकिन वोल्ट मीटर ये काम कर देगा। बिना इन दोनों वैल्यूज के वोल्ट मीटर लगाओ और अपनी वैल्यू और वोल्टेज ले जाओ। अब कैसे वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है? इन पैरेलल। तो हम एक वोल्ट मीटर लेके आएंगे और इसके साथ किसमें लगा देंगे? इन पैरेलल। ये लो, ये पैरेलल में मैंने वोल्ट मीटर को लगा दिया। तो इस मीटर का नाम क्या है? वोल्ट मीटर। तो मेरे को लगा शायद मार्केट में नया मीटर आया होगा, और जब मैंने तोड़ के देखा तो अंदर क्या लगा हुआ था बताऊं? अंदर एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी आर, और ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू बहुत हाई है। एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और साथ में लगा हुआ था एक गैल्वेनोमीटर। तोड़ के देखा तो फिर गैल्वेनोमीटर निकला वोल्ट मीटर के अंदर। अब ये क्या चक्कर है मैं सोच रहा हूँ, और आपकी बुक्स में डायग्राम ऐसा बना होता है वोल्ट मीटर का, आपकी बुक्स में ऐसा है कि वोल्ट मीटर बनाने वाली कंपनी क्या करती है, वो अंदर तो लेती है गैल्वेनोमीटर और साथ में एक हाई रेजिस्टेंस आर को लगा देती है सीरीज में, और बोलती है मार्केट में नया मीटर आया है वोल्ट मीटर, अंदर गैल्वेनोमीटर ही है। अब मेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो यही थी, मेरे को यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। देखो कैसे हुआ मेजर, ध्यान से देखना। सपोज करो पीछे से आई करंट आ रहा था, मैं ये चाहता हूँ कि सारा करंट इसमें जाए और इसके रेजिस्टेंस से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, आई इंटू आर मेरा आंसर आ जाए। तो यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि आई इंटू यहाँ के पोर्शन की जो भी रेजिस्टेंस है, मुझे मालूम नहीं जो भी रेजिस्टेंस है, तो अगर मुझे पता लग जाए मैं आंसर निकाल दूंगा वी का। और ना मुझे आई पता है ना मुझे रेजिस्टेंस पता है। अब मुझे इतना पता है कि क्योंकि मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस रखी हुई है, तो जो भी यहाँ करंट आएगा इसमें बहुत कम करंट जाएगा, क्योंकि इस रास्ते से रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो इसमें कम करंट जाएगा। ज़्यादा करंट किसमें जाएगा? इसमें जाएगा। तो मतलब मैंने इसमें से बहुत कम करंट चुराना है, आई में से बहुत कम करंट चाहिए इसमें से। तो बहुत कम क्यों चाहिए? क्योंकि अगर मैं इसका सारा ही आधा करंट चुरा गया, आई इंटू आर की वैल्यू गिर जाएगी, तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका करंट कम से कम मैं यूज़ करूँ ताकि इनका प्रोडक्ट सही आए, और बिल्कुल कम, बहुत कम, बहुत कम के लिए यहाँ की रेजिस्टेंस को क्या रखना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा, ताकि इस ब्रांच में बहुत ही ज़्यादा कम करंट जाए। कितना कम? जितना भी कम जाएगा, जो भी जाएगा, वो एटलीस्ट गैल्वेनोमीटर तो मेजर कर ही पाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो काम ही है ये कम करंट को मेजर करना। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर बहुत कम करंट गया, उसे पकड़ लिया कि आई जी की वैल्यू बहुत कम है, उसे वैल्यू बता दी। अब मैंने इलेक्ट्रिसिटी लगाई, अब आई जी इस ब्रांच में आई जी पता है मुझे, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आई जी इंटू आर, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आई जी इंटू जी। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना है? वी। जो भी ऊपर डेवलप होगा वही वी नीचे डेवलप होगा, तो ऊपर से वी कैलकुलेट करके नीचे की वैल्यू कैलकुलेट होगी, आंसर आ गया। कि पैरल कॉम्बिनेशन है ना, पैरल में यहाँ और यहाँ के अक्रॉस वी सेम है, तो यहाँ निकालने के बजाय यहाँ निकाल दिया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ने आई जी पकड़ लिया, आई जी कैलकुलेट कर दिया, बहुत कम करंट है, आई जी को आर और जी से मल्टीप्लाई किया, वोल्टेज की वैल्यू आ गई, वही वोल्टेज नीचे डेवलप हो गई। तो ऐसे वोल्ट मीटर काम करता है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आएगा कि बताओ वोल्ट मीटर कैसे बनता है? तो वोल्ट मीटर बनता है बाय कनेक्टिंग अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। एमीटर कैसे बनता था? शंट इन पैरेलल, और शंट इज अ लो रेजिस्टेंस। एमीटर कैसे बनता है? अ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई है। अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी याद हो, मैं हमेशा बोला करता था एक आइडल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ी होगी तो करंट छोटा होगा, तो इसके करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। पर कई लोग ये बोलते हैं सर वोल्ट मीटर कभी एक्यूरेट आंसर दे नहीं पाएगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तुम कुछ तो करंट यहाँ से चलाओगे तो कुछ तो गिरेगा। बिल्कुल सही, वोल्ट मीटर कभी भी एक्यूरेट आंसर दे नहीं पाता। तभी तो कहते थे पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट है, वोल्ट मीटर अप्रॉक्सीमेट आंसर देता है।
क्योंकि इसका करंट चुरा लिया जाता है ऊपर, ठीक है यहाँ तक। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हायर रेजिस्टेंस क्यों सीरीज में लगाई जाती है। हायर रेजिस्टेंस को इसलिए सीरीज में लगाया जाता है ताकि इसमें करंट छोटे से छोटा एंटर करे जो गैल्वेनोमीटर मेजर कर पाता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर हाई वैल्यू ऑफ करंट को वैसे ही मेजर नहीं कर पाता, तो छोटे करंट मेजर कर पाएगा। तो आपने क्या लिखना है, वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर भी गैल्वेनोमीटर है पर हायर रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है। और कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग हायर रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, तो ऐसे बनता है। ये डायग्राम आपने बना के आना है और इसके अंदर ये आई है और ये आई जी गया, ये आई माइनस आई जी शो किया, आई जी इज वेरी वेरी स्मॉल तो आई माइनस आई जी अप्रॉक्सीमेटली आई के इक्वली रहता है, ठीक। तो वी की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, वी की वैल्यू आएगी आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर, यहां से कॉमन आ गया, कॉमन आके आई जी इंटू जी एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल ली, फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लो, आर की वैल्यू का फॉर्मूला वी बाई आई जी माइनस जी, वी पॉन आई जी माइनस जी एंटर करो, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे हम, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो एम मीटर बनाने के लिए शंट लगता है, शंट का फॉर्मूला याद है, वोल्ट मीटर बनाने के लिए आर लगता है, सीरीज में आर का फॉर्मूला याद है, तो एस और आर दोनों याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल में यूज करते हुए वोल्ट मीटर में जब मैं जी यूज करूंगा तो वो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस मानी जाएगी, इंपॉर्टेंट है, जब मैं जी यूज करूंगा तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस मानी जाएगी, ठीक। आई जी का मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है और लोग सुन नहीं रहे फिर भी, और फिर बाद में कहेंगे कि यार 12 बजे का टाइम चाहिए था, क्यों जी, क्योंकि मेरे को वोल्ट मीटर सीखना था, ठीक, टाइम खराब ना करो अपना भी मेरा भी, ध्यान से सुनो। आई जी का मतलब है करंट मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जो छोटा करंट होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि गैल्वेनोमीटर के आगे ना पैनल लगा होता है जिसमें सुई घूमती है, जैसे गैल्वेनोमीटर 0 से लेके 2 मिली एम्पियर तक करंट को मेजर कर सकता है, तो ऐसा बोलते हैं रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0 से 2 मिली एम्पियर, तो कुछ भी करंट आ सकता है। तो फिर आई जी क्या होगा, 0, 1 मिली एम्पियर, 1.5 मिली एम्पियर, 1.25 मिली एम्पियर कि 2 मिली एम्पियर, कुछ भी हो सकता है। हम आई जी को मैक्सिमम वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, तो जब भी आपको रेंज गिवन हो 0 से आई जी, मतलब आई जी का मतलब है मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है। तो अगर आपको ये गिवन है ना कि गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर है वो मेजर कर सकता है 0 से लेके 2 मिली एम्पियर ऐसे, तो मेरा आई जी पता है क्या होगा, 2 मिली एम्पियर होगा, ये बता रहा हूँ। मतलब इसके बीच का करंट तो मेजर कर ही सकता है, पर मैं न्यूमेरिकल में आर्बिट्री वैल्यू कैसे लूंगा, एक वैल्यू लूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू लूंगा, ठीक है यहाँ तक। तो ये पहला पॉइंट है, अभी न्यूमेरिकल में करके भी दिखाऊंगा आपको वीरू को, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, अगर आपको ये गिवन है कि मेरा वोल्ट मीटर 0 से 5 वोल्ट मेजर करता है, इसे बोलते हैं रेंज ऑफ अ वोल्ट मीटर, 0 से 5 वोल्ट तक कुछ भी मेजर करता है, पर मैं वी की वैल्यू न्यूमेरिकल में 5 लूंगा, ना 4 लूंगा, ना 3 लूंगा, ना 2 लूंगा, 1 लूंगा, 5 ही लूंगा। तो जब रेंज गिवन होगी तो मैक्सिमम वैल्यू को उठा लिया जाएगा। नेक्स्ट है, तो ये मैंने बता दिया आर का फॉर्मूला, अब न्यूमेरिकल्स करने कैसे हैं इसको देखते हैं।